हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्मण प्रजापति आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 10 एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए केमिस्ट्री की यूनिट सॉलिड के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि कई एग्ज़ाम में आए हुए हैं। यदि आपने 70 से 80% आंसर सही दिए तो आपकी तैयारी निश्चित ही तौर पर बहुत अच्छी है। बेस्ट ऑफ लक। चलिए तो चलते हैं क्वेश्चन पर। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्लास 12 के लिए विशेषकर हैं और इसके अलावा दूसरे अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद किया तो आप निश्चित ही तौर पर अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हैं। जैसा कि पहली यूनिट है क्लास 12 की ठोस अवस्था, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग या फिर वन वर्ड्स या ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष के कारण आयनिक ठोस का घनत्व। तो सॉलिड यूनिट में दो डिफेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है शॉर्ट की दोष, दूसरा है फ्रेंकल दोष। तो फ्रेंकल दोष में जो है इसमें जो धनायन होता है अपने अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। इसमें टोटल जो आयन है वो जैसे के जैसे बने रहते हैं, इसमें एक भी आयन कम नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर जो क्रिस्टल का घनत्व है वो परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि जितने आयन हैं उतने ही आयन बचे हुए होते हैं, इसमें एक भी आयन कम नहीं होता है, जबकि शॉर्ट की दोष में अपोजिट है। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं परिवर्तित नहीं होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है CHCl में प्रत्येक क्लोरीन कितने CGM से संकुलित होता है। तो CHCl में प्रत्येक क्लोरीन 8 आयनों से संकुलित होता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंकल दोष प्रदर्शित नहीं करता। तो फ्रेंकल दोष कौन नहीं प्रदर्शित करता? तो दोस्तों इसका आंसर है KBR। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स मैंने निकाल दी है। पैरियोडिक टेबल में यदि S ब्लॉक और P ब्लॉक के एलिमेंट मिलके यदि कोई कंपाउंड का एग्जाम्पल है तो उसमें आपका शॉर्ट की दोष है, और यदि D ब्लॉक और पी ब्लॉक का एग्जाम्पल है, जैसे डी ब्लॉक में हो गया आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और उसके साथ फ्लोरीन वाले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जुड़े हैं, तो वो हो जाएगा आपका फ्रेंकल दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल में समान दूरी पर स्थित विरोधी आवेश वाले आयनों की संख्या कितनी होती है। तो इसका सही आंसर है 6। अगला क्वेश्चन विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक ग्रेफाइट है। ये कई एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आईएमपी है। अगला क्वेश्चन NaCl क्रिस्टल में किस प्रकार का बिंदु दोष पाया जाता है। तो Na जो सोडियम है वो आपका S ब्लॉक का एलिमेंट है, क्लोरीन है वो आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। यदि एस ब्लॉक में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम और पी ब्लॉक में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, ये मिलके यौगिक बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट की दोष होगा। इसके अलावा यदि डी ब्लॉक के एलिमेंट के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन मिलते हैं, फ्रेंकल दोष होगा। तो यहाँ पे एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट हैं तो इसलिए इसमें शॉर्ट की दोष है। देख लेते हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंकल क्रिस्टल तंतों में कुल कितने त्रिविम जालक, ब्रेविस जालक प्राप्त होते हैं। तो इसका सही आंसर है 14। नेक्स्ट क्वेश्चन हीरा है एक। तो हीरा है एक हाइड्रोजन बंध ठोस,
तो दोस्तों हाइड्रोजन बंध केवल उन्हीं में पाया जाता है जब हाइड्रोजन अपने से बहुत अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से जुड़ता है, जैसे कि फोन, फोन का अर्थ है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आयनिक ठोस क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिसमें धन आयन और ऋण आयन से मिलकर यौगिक बने होते हैं। सहसंयोजक ठोस, तो दोस्तों इसका सही आंसर होना चाहिए सहसंयोजक ठोस। नेक्स्ट, सहसंयोजक ठोस एक ही प्रकार के यौगिकों में पाया जाता है, जैसे कार्बन का अपर रूप है हीरा, तो इसमें कार्बन कार्बन के एलिमेंट हैं, इसलिए हीरा जो है सहसंयोजक ठोस है। नेक्स्ट है, फ्लोराइड संरचना में कैल्शियम आयनों की कोऑर्डिनेशन संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है 8। किस यौगिक में 8 समन्वय संख्या पाई जाती है, तो इसका सही आंसर है CsCl, सीजियम क्लोराइड की संरचना में। नेक्स्ट है, काय केंद्रित घनीय जालक की समन्वय संख्या कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट सेल का घनत्व, तो यूनिट सेल का घनत्व दोस्तों क्या होता है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई एग्जाम में पूछा गया है। तो यूनिट सेल का घनत्व का सूत्र होता है Zm अपॉन में AQn, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बंद घनीय संकुलित इकाई कोशिका में उपस्थित चतुष्कीय रिक्तकाओं की संख्या होती है, तो इसका सही आंसर है 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल की अंतरा आयनिक दूरी कितनी होती है, तो इसका सही आंसर है, ये जो आयनिक दूरी है इसके लिए मैंने लास्ट में बहुत IMP कुछ पॉइंट दिए हैं, उन्हें जरूर देखें। यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए √3a/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होती है, तो अंतः केंद्रित में एक सेंटर पर परमाणु होता है, टोटल मिला के यहाँ पे आंसर होना चाहिए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ब्रैक समीकरण है, तो दोस्तों ब्रैक समीकरण बहुत IMP क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए, इसका आंसर है n λ = 2d sin θ, n λ = 2d sin θ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहसंयोजक क्रिस्टल का रक्षक घनत्व कितना है, सहसंयोजक क्रिस्टल का रक्षक घनत्व परमाणु, अणु, आयन, उपरोक्त सभी, तो इसमें जो होना चाहिए आंसर परमाणु। परमाणु जैसा कि कार्बन के अपर रूप से संयोजक का उदाहरण अपन ने देखा हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल की इकाई कोशिका में उपस्थित सोडियम परमाणु की संख्या, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयरन, कोबाल्ट, निकल किस प्रकार के चुम्बकीय पदार्थ हैं, तो आयरन से आप एक ट्रिकी वाइज याद कर सकते हैं, आयरन, कोबाल्ट, निकल। आयरन में, आयरन को हिंदी में कहते हैं लोहा, तो लोहे चुम्बकीय प्रकार के पदार्थ हैं। फ्रैंकल दोष का सही उदाहरण है, तो दोस्तों इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक्स मैंने आप लोगों के लिए, यदि एस ब्लॉक में ये जो एलिमेंट है आपके हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसल, और पी ब्लॉक के ये जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटिन, यदि ये दोनों मिलके ये फ्लोरीन वाली लाइन और जो हाइड्रोजन वाली लाइन, यौगिक दोनों मिलके कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, तो वो उदाहरण होंगे आपके शॉटकी दोष के, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, KCl, ये इन्हीं से मिलके बने हुए हैं, अतः इसमें शॉटकी दोष है। और जबकि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं
और डी ब्लॉक के साथ यदि ये फ्लोरीन वाली लाइन कनेक्ट है तो जो यौगिक बनेंगे मिश्रित होके वो आपके फ्रेंकल दोष के उदाहरण होंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ तो इसका आंसर है सिल्वर क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क बर्फ ठोस CO2 है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए शुष्क बर्फ जो है आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजी क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, धातु क्रिस्टल। तो इसका सही आंसर है आणविक क्रिस्टल। धातु क्रिस्टल के जितने भी एग्जांपल है डी ब्लॉक के एलिमेंट है, जैसे आपके हुए सोना, चांदी, लोहा और जितने भी एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट, क्योंकि धातु क्रिस्टल धातु ही होंगे। तो इसका सही उदाहरण है शुष्क बर्फ ठोस है आण्विक क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीजियम क्लोराइड की संरचना में है सीजियम की समन्वय संख्या है, तो सीजियम की समन्वय संख्या कितनी है? इसका सही आंसर होना चाहिए 8। एक बात और कि सीजियम की संरचना में सीजियम की समन्वय संख्या 8 और क्लोरीन की समन्वय संख्या 8 है। अगला क्वेश्चन है NaCl क्रिस्टल की संरचना है, NaCl क्रिस्टल की जो संरचना है कैसी है? घनी है। सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल में प्रत्येक सोडियम आयन घिरा होता है, तो इसका सही आंसर होना चाहिए 6 क्लोरीन आयनों से। क्रिस्टल के विद्युत चालक उत्पन्न करने के हेतु अशुद्धि मिलाने वाली कहलाती है, तो इसका आंसर होगा डॉपिंग। डॉपिंग वह प्रक्रिया है जब हम किसी शुद्ध पदार्थ में कोई अशुद्धि मिला देते हैं, तो उस क्रिया को कहते हैं डॉपिंग। नेक्स्ट, KCl क्रिस्टल में किस प्रकार का जालक पाया जाता है? तो KCl में किस प्रकार का क्रिस्टल है? इसका सही आंसर है फलक केंद्रित घन आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परमाणविक पदार्थ के अंत केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या होगी? एक परमाणिक पदार्थ के अंत केंद्रित घनीय यूनिट सेल में परमाणुओं की संख्या आंसर होगा 2 आंसर है। नेक्स्ट, क्रिस्टल जालक में से एक धनायन एवं एक ऋणायन अनुपस्थित होने पर उपस्थित दोष को कहते हैं, जिसका सही आंसर है शॉटकी दोष। नेक्स्ट, एक धनायन एवं एक ऋणायन अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, सीजियम क्लोराइड में यदि सीजियम की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 है तो क्लोरीन आयनों की कोऑर्डिनेशन संख्या, तो याद रखने वाली बात दोस्तों ये है कोऑर्डिनेशन संख्या बराबर बराबर होती है। कोऑर्डिनेशन जो संख्या होती है, कोई भी आयन अपने विपरीत आयनों से, जितने आयनों से घिरा हुआ है वही उस कोऑर्डिनेशन संख्या है। इसमें सीजियम की कोऑर्डिनेशन संख्या यदि 8 है तो क्लोरीन की कोऑर्डिनेशन संख्या 8 ही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। धातु क्रिस्टल के दो उदाहरण, तो डी पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक में कोई से भी उदाहरण आप बता दीजिए, जैसे कि कॉपर है, निकेल है, सिल्वर वगैरह, कुछ भी आपको देना है वो आंसर दे सकते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल के दो उदाहरण बता दीजिए। सहसंयोजी क्रिस्टल का एक तो हीरा याद रखना है, दूसरा सिलिकॉन। आयनिक क्रिस्टल के दो उदाहरण बताइए। आयनिक क्रिस्टल का एक सबसे अच्छा उदाहरण है NaCl, दूसरा है NaNO3। नेक्स्ट है, CaF में फ्लोरीन आयन की समन्वय संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, षटभुजीय संकुलित संरचना में समन्वय संख्या का मान होता है, तो इसका आंसर है 12। NaCl क्रिस्टल की संरचना किस तरह की होती है? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, घनीय। NaCl के क्रिस्टल की संरचना घनीय बंध संकुलित आकार की होती है, जिसकी समन्वय संख्या 6-6 होती है, जिसे हम रॉक सॉल्ट संरचना भी कहते हैं। अंतःकेंद्रित घनीय सेल का उदाहरण है सीजियम क्लोराइड। ऐसे यौगिक का उदाहरण दीजिए जिसमें शॉटकी एवं फ्रेंकल दोनों प्रकार के दोष होते हैं,
तो शॉटकी भी हो ऑफ्रेंकल भी, ये बहुत ही आईएमपी है। एजीवीआर, एजीवीआर दोनों प्रकार के दोष उत्पन्न करता है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन। सिलिकॉन कार्बन किस प्रकार का ठोस है? इसका सही आंसर है सहसंयोजी ठोस, क्योंकि सहसंयोजी जो कार्बन वाली लाइन है यदि उनमें जो दोष है उससे सहयोगी होगा। बेक समीकरण बहुत ही आईएमपी है, लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉटकी दोष शॉटकी त्रुटि से पदार्थ या क्रिस्टल के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर है शॉटकी त्रुटि के कारण पदार्थ धन आयन की त्रिज्या का घनत्व कम हो जाता है। त्रिज्या अनुपात का सूत्र लिखिए, तो ये है R प्लस अपॉन R माइनस, मतलब धन आयनों की त्रिज्या बटे में ऋण आयनों की त्रिज्या। नेक्स्ट, आवश्यक ठोस अकिष्ट ठोस के दो उदाहरण दीजिए। इसका सही आंसर है कांच प्लास्टिक। ये अकिष्टीय ठोस का उदाहरण कांच बहुत आईएमपी है, इसे तो आप रट के जाइए, बहुत ही आईएमपी है। एफ केंद्र क्रिस्टल में किसकी उपस्थिति के कारण रंग उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर है इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसका क्रिस्टल जालक में से एक धनायन व एक ऋणायन अनुपस्थित होने पर त्रुटि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है शॉटकी दोष। यदि ठोस क्रिस्टल जालक में एक धनायन अपने स्थान से हटकर अंतःकाशीय स्थान में चला जाता है तो उस त्रुटि को कहते हैं फ्रेंकल दोष। पिघली अवस्था में NaCl के विद्युत सुचालक होने का कारण क्या है? जिसका सही आंसर है स्वतंत्र आयन। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि NaCl ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन जलीय अवस्था या गलित अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, क्योंकि जैसे ही हम सोडियम को पानी में डालते हैं तो इसमें धन आयन ऋण आयन अलग अलग हो जाते हैं और स्वतंत्र आयन के रूप में कार्य करने लगते हैं। इसलिए गलित अवस्था में ही NaCl विद्युत का सुचालक है, ठोस अवस्था में NaCl विद्युत का कुचालक है। नेक्स्ट है, त्रुटि के कारण क्रिस्टल का घनत्व तो कम हो जाता है, कौन सी त्रुटि के कारण? इसका आंसर है शॉटकी त्रुटि के कारण। अब आपके हैं मैचिंग टाइप के क्वेश्चन, सॉरी अभी नहीं है, आगे हैं। कुल प्रकार के क्रिस्टल तंत्र हैं कितने होते हैं? 7। और ब्रेविज की बात आ जाए तो इससे पहले क्वेश्चन हो चुका है 14। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम डेडेडेस ने परमाणुओं की अवधारणा प्रस्तुत की, तो सर्वप्रथम किसने किया? तो इसका आंसर है कड़ाद ऋषि ने, अपने भारतीय वैज्ञानिक में किसी से कम नहीं है। डाल्टन के बारे में परमाणु हम पढ़ते हैं, परमाणु डाल्टन के बारे में हम पढ़ते हैं, परमाणु की सर्वप्रथम उसने बताया परमाणु के बारे में, लेकिन कई वर्षों पहले हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने पहले बता दिया कि प्रत्येक चीज कण से मिलकर बनी हुई है, और ये जो कण के बारे में बताया वो कड़ाद ऋषि ही थे, और कण को ही नाम दे दिया उन्होंने परमाणु, और इसी कण को नाम आगे चल के डाल्टन ने नाम दे दिया परमाणु। किसी क्रिस्टल में उपस्थित धन आयन तथा ऋण आयन की त्रिज्याओं के अनुपात को क्या कहते हैं? ये आंसर हो गया त्रिज्या अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व या यौगिक में अशुद्धियों की अल्प मात्रा मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सही डॉपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल 14 प्रकार की विभिन्न एकक सेलें होती हैं जिन्हें क्या कहते हैं? ब्रेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, NaCl क्रिस्टल संरचना में सोडियम तथा क्लोरीन दोनों आयनों की उपसंयोजन संख्या है? इसका सही आंसर है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ZnS एवं AgCl के क्रिस्टल में कौन सा दोष है? इसमें फ्रेंकल, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक्स बताई, डी ब्लॉक का एलिमेंट और पी ब्लॉक का एलिमेंट।
डी ब्लॉक पी ब्लॉक, तो उसमें कौन सा दोष होगा? फ्रैंकल। यदि इसकी जगह एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट होते तो उसमें हो जाता शॉर्टकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकी त्रुटि के कारण पदार्थ का घनत्व कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्विक ठोसों में चालकता की उपस्थिति के कारण, तो इसका आंसर होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। समझने वाली बात यह है कि जितनी भी धातुएं हैं उनमें जो विद्युत धारा प्रभावित होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, और जबकि विद्युत अपघट में जैसे कि अपने बैटरियों में लिक्विड भरा हुआ होता है उसमें जो विद्युत धारा प्रभावित होती है मुक्त आयनों के कारण होती है। एग्जाम्पल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, लेड सल्फेट, NaCl, बहुत सारे उदाहरण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिंदु दोष डेडेडस क्रिस्टलों में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर है आयनिकों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होने वाला पदार्थ डेडेडस कहलाता है अनुचुंबकीय। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी इकाई सेल के लिए R इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट 8 हो तो वह किस प्रकार की इकाई सेल है? किसी इकाई सेल के लिए R इक्वल टू A अपॉन अंडर रूट 8 हो तो वह किस प्रकार की किस इकाई सेल है? तो इसका आंसर है FCC, फलक केंद्रित घने। ताप बढ़ने पर अर्धचालकों की चालकता वृद्धि होती है, जिस संबंध जोड़िए। तो आपके सामने ओटी ये रही ऑप्शन है, आपके सामने मैचिंग ये रही। अब आपको करेक्ट मैचिंग जोड़ना है। तो मैं समझता हूँ फ्रैंकल दोष बहुत ही सिंपल, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक का एलिमेंट देखिए फ्रैंकल दोष, तो इसका आंसर होना चाहिए AgBr, सही। शॉर्ट की दोष, तो इसके लिए आपको देखना है S ब्लॉक और P ब्लॉक का, तो इसके लिए हो जाएगा आपका CGM क्लोराइड भी है NaCl भी है, लेकिन ये दो ऑप्शन यदि सेम मिल गए तो एक आंसर जाएगा आपके अलग मैचिंग के लिए। जो अलग मैचिंग है अंतः केंद्रित घनीय जालक, तो वो उसका आंसर होना चाहिए। सॉरी, शॉर्टकी दोष का जो सही आंसर है NaCl, अंतः केंद्रित घनीय जालक का आंसर है CGM क्लोराइड। षटकोणीय क्रिस्टल, इसका आंसर है ग्रेफाइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैचिंग पर। NaCl, इसका सही आंसर है क्रिस्टलीय ठोस। NaCl जो है क्रिस्टलीय ठोस प्रकार का है। कांच, कांच जो है वो है अक्रिस्टलीय ठोस। कांच कैसा उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का है। चुंबकीय पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ की सही मैचिंग है अगमित इलेक्ट्रॉन। अगमित इलेक्ट्रॉन है तभी उनमें चुंबकत्व होगा। सिल्वर ब्रोमाइड, इसका सही आंसर है फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष। चलिए चलते हैं नेक्स्ट मैचिंग पर। ठोस CO2, तो इसका सही मैचिंग है आयनिक क्रिस्टल। रजत, रजत को हम कहते हैं सिल्वर Ag, तो ये तो मुझे लग रहा है धातु क्रिस्टल है। देखते हैं हीरा, हीरा है सहसंयोजी क्रिस्टल। और ठोस CO2 का आंसर है धात्विक क्रिस्टल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ओटी पर। उचित संबंध जोड़िए, तो इसमें अंतः केंद्रित घन में परमाणुओं की संख्या, तो इसमें सही आंसर होना चाहिए दो।
हीरा, हीरा के बारे में तो अपन ने कई बार पढ़ लिया है, अभी सहसंयोजी ठोस हो गया। चुंबकीय प्रभाव जो है आपके अयमित इलेक्ट्रॉनों के कारण है। कांच जो है अकृष्णीय ठोस है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये लास्ट में बहुत ही मोस्ट आईएमपी आपके लिए टेबल मैंने बनाई हुई है, जिसमें आपके कई एग्जाम में पूछे गए हैं ये ऑब्जेक्टिव, तो ये टेबल को आप जरूर याद कर लें। विशेष का जो क्रिस्टल आपको तीन याद रखना है, एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। परमाणु त्रिज्या, तो इसका इसमें परमाणु त्रिज्या होती है एससीसी में ए बाई टू, बीसीसी में अंडर थ्री अपॉन टू ए, और एफसीसी में वन अपॉन अंडर टू ए, सॉरी वन अपॉन अंडर टू ए। कणों की संख्या जो है इसमें, कणों की संख्या है आपके एससीसी में एक, बीसीसी में दो और एफसीसी में चार। सॉरी मैंने यहाँ पर ए नहीं लिख पाया है, ए और लिखना है, बढ़ता हुआ क्रम है इधर। समन्वय संख्या में 6, 8, 12 तीनों में। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान इसमें जो एससीसी, बीसीसी तथा एफसीसी क्रिस्टल में आयन भरे होते हैं, तो ये जो परमाणु भरे हुए होते हैं, परमाणु और आयन भरे हुए होते हैं, तो इसमें जो रिक्त स्थान है, ये अणु परमाणु आयन भरे होने के बाद एससीसी क्रिस्टल, बीसीसी क्रिस्टल और एफसीसी क्रिस्टल में भरे होने के बाद कितना खाली स्थान बचा हुआ है। जैसे हम एक घर आकार बॉक्स में एक बॉल रखें, तो बॉल जो होगी फुल भी भरी हो, लेकिन उसके कॉर्नर पर थोड़ा थोड़ा खाली स्थान जरूर होगा। तो एससीसी में कितना होता है, बीसीसी में कितना खाली स्थान होता है, एफसीसी में कितना खाली स्थान होता है, वो अपन को बताना है। तो यहाँ पर 48% रिक्त स्थान होता है एससीसी में, बीसीसी में 32% होता है और एफसीसी में 56% खाली स्थान होता है। बस एक याद कर लीजिए, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। यदि एससीसी में खाली स्थान 48% है, तो परसेंट की बात कर रहे हैं, इसलिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100 होती है। यदि 48% खाली है तो भरा हुआ स्थान 52% होगा। 100 में से 48 कम कर दीजिए तो बचा हुआ भरा हुआ स्थान होगा। 100 में से यदि 32 कम कर दिए तो बचा हुआ 68% होगा। यदि हमें 100 में से खाली स्थान 26 है, तो 100 में से 26 जाएंगे तो 74 होगा। यदि ये अनुपात में या पॉइंट में बात करें, तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपका, जो परसेंटेज या परसेंटेज बटे में 100 होते हैं और बटे में 2 जीरो हटेंगे तो 2 अंकवाद पॉइंट लग जाएगा, तो सबके आगे 2 अंकवाद पॉइंट लगे हुए हैं। यदि परसेंटेज नहीं होगा तो आपका ऑप्शन पॉइंट में हो सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ रही होंगी। यदि आपको ये चीज समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके प्लीज बार बार देखिए, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत आईएमपी है। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो ये थोड़ा मैंने इसके 20 में आता है, तो अब दो है तो यहाँ पर 2 पॉइंट रखना है और 2 पॉइंटों से रेखीय संरचना हो। और जो अगला है 225 से यदि आगे की तरफ देखें, 2 से आगे कितने आते हैं 3, तो 3 है, तो इसका आंसर 3 में क्या हुई, त्रिकोणीय। इसमें है आपका लास्ट देखना है पॉइंट 414 में आंसर दिख रहा होगा आपको 4, तो 4 बताना है। और 4 में जो कण होंगे आपके वो कैसे होंगे, चतुष्फलकीय होंगे। फिर आ जाता है 4 होता है लेकिन लास्ट में 7 है, तो यहाँ पे आपको 4 जब भी दिखे, 4 आगे या पीछे, तो आंसर कितना देना है 4। तो यहाँ पे 4 में इधर हमने बता दिए चतुष्फलकीय, और यहाँ पर होगा वर्गीय। चतुष्फलकीय तो आपका आयत के रूप में भी हो सकता है और एक वर्ग के रूप में होता है, वर्ग होता है जिसके 4 भुजा बराबर होती है। तो यहाँ पे यदि लास्ट में
सात है, पॉइंट सात, और शुरुआत में पॉइंट चार है, तो इसका आंसर आपको समतली वर्गीय देना है। और यदि समन्वय संख्या आपकी छह है, समन्वय संख्या याद रखना है पॉइंट 414 और पॉइंट 732 के बीच समन्वय संख्या चार और छह होती है। यदि समन्वय संख्या चार है तो समतल वर्गीय आंसर होगा संरचना में, और यदि समन्वय संख्या छह तो इसमें जो संरचना होगी अष्टफलकीय होगी, षटकोणीय आंसर नहीं देना है, अष्टफलकीय देना है। बस इतना कर लीजिए, इसके बाद यदि कर सको तो एक युवक कीजिए याद, बाकी आप याद करें या ना करें चल जाएगा। पॉइंट 732 से पॉइंट 999 है, तो इसमें जो समन्वय संख्या है आठ, उसको इधर बढ़ाते चलना है। इधर 732 में हमें इधर की तरफ ही देखना है, ठीक है, पीछे की तरफ। तो 732 में 732 है, 732 में 732 को देखना है बस। बाकी आप याद करो या ना करो। तो एक बार और देख लेते हैं, इसमें जो संरचना है समन्वय संख्या दो, तो दो पॉइंट रहो, तीन है समन्वय संख्या तो तीन त्रिकोणीय थे, चार है समन्वय संख्या तो यहाँ पे चतुष्फलकीय हो गए, चतुष्फलकीय में आपका समतल वर्गीय भी हो सकता है। छह समन्वय संख्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर है, हिंदी में कोऑर्डिनेशन नंबर को समन्वय संख्या बोलते हैं, तो समन्वय संख्या यदि छह है तो आठ फलकीय होगा, अष्टफलकीय, और यदि समन्वय संख्या आठ है तो आठ पे आपको घनीय देना है, घनीय आपका क्यूब, और जिसका उदाहरण आपका CHCl CHBr। और यदि समन्वय संख्या 12 है तो 12 में आपकी सभी धातु आ जाती है बद्धसम के लिए, बस इतना याद करो। और त्रिज्या अनुपात में आप लगभग में याद रख सकते हैं कि लगभग में दो हैं तो दो के एक फेर में डेढ़, तीन है कोऑर्डिनेशन नंबर तो लास्ट में देखो, चार है तो यहाँ पे आपका चार मिल गया, फिर दोबारा से चार है तो पहले चार होगा, और यदि आपका चार यदि नहीं है कोऑर्डिनेशन नंबर तो छह होगा, और आठ यदि है कोऑर्डिनेशन नंबर तो लगभग आपको सात और नौ के बीच होगा, पॉइंट नौ, ठीक है, पॉइंट सात और पॉइंट नौ के बीच, और बारह है तो पॉइंट 999 से जाना होगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, और आपके आने वाले ट्वेल्थ के एग्ज़ाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए टाइल्स वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं आपका दोस्त लक्ष्मण प्रजापति आपके साथ इसी तरीके से बना रहूँगा। यदि आप लाइक